सूत जी ने ऋषियों से कहा, प्रसंग बखान 34वां अध्याय सुनाऊं, दया करो भगवान। हे सूत जी, पीपल का पेड़ शनिवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी दिनों में क्यों नहीं पूजा जाता? सूत जी ने कहा, समुद्र का मंथन करने से जो रत्न देवताओं को मिले, उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को दे दी थी। विष्णु भगवान जब श्री लक्ष्मी जी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी जी ने कहा, हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का ब्याह नहीं हो जाता, आप मुझ छोटी बहन से ब्याह कैसे कर सकते हैं? इसीलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का ब्याह करा दीजिए, बाद में मुझसे ब्याह कीजिए, क्योंकि यह प्राचीन नियम है। सूत जी बोले, लक्ष्मी जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का ब्याह उद्धालक ऋषि के साथ कर दिया। वह अलक्ष्मी बड़ी कुरूप थी, बड़ा मुख, चमकते हुए दांत, वृद्धा समान शरीर, बड़े बड़े नेत्र और रूखे बाल। महर्षि उद्धालक भगवान विष्णु के आग्रह पर उससे ब्याह कर उसे वेद मंत्रों की ध्वनि से गुंजाते हुए अपने आश्रम में ले आए। वेद ध्वनि से गुंजित, हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित उस मनोहर ऋषि आश्रम को देखकर वह बहुत दुखी हुई। उसने महर्षि उद्धालक से कहा, इस आश्रम में वेद ध्वनि हो रही है, अतः यह स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है, इसलिए तुम मुझे किसी दूसरी जगह ले चलो। उसकी बात सुनकर महर्षि उद्धालक ने कहा कि तुम यहाँ पर क्यों नहीं रह सकती और तुम्हारे रहने योग्य दूसरी जगह कौन सी है, यह मुझको बताओ। अलक्ष्मी ने कहा, जहाँ पर वेद की ध्वनि होती हो, अतिथियों का सत्कार होता हो, यज्ञ आदि होते हो, उस स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर पति पत्नी आपस में प्यारे हो, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हो, देवताओं का पूजन होता हो, वहाँ पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर दिन रात पति पत्नी लड़ते हो, जहाँ से अतिथि लोग सदा निराश लौटते हो, जहाँ पर पूज्य वृद्धों, सत्य पुरुषों तथा मित्रों का अनादर होता हो और जहाँ दुराचारी, चोर, परस्त्रीगामी प्राणी रहते हैं, जहाँ पर गौओं का वध, मद्यपान, ब्रह्म हत्या आदि पाप होते हैं, वहाँ पर मैं प्रसन्नता पूर्वक निवास करती हूँ। सूत जी ने कहा, इस प्रकार अलक्ष्मी के वचन सुनकर उद्धालक का मन मलिन हो गया। वह इस बात को सुनकर चुप रह गए। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उन्होंने कहा कि अच्छा, तुम्हारे लिए ऐसा ही स्थान खोजूंगा, अतः मैं जब तक तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ कर न आऊं, तब तक तुम इसी पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहो। सूत जी ने कहा, महर्षि उद्धालक उसे पीपल के नीचे बैठा कर उसके रहने योग्य जगह ढूंढने के लिए चले, लेकिन जब वह बहुत समय तक प्रतीक्षा करने पर भी वापस नहीं लौटे तो अलक्ष्मी रोने लगी। उसका बुरी तरह से रोना लक्ष्मी जी ने बैकुंठ में भी सुना तो वह व्याकुल हो गई। उन्होंने दुखी होकर भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी पति के त्याग देने से अत्यंत दुखी हो गई है। हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास चलिए। पत्नी की प्रार्थना सुनकर कृपा सिंधु भगवान लक्ष्मी जी को साथ लेकर उस पीपल के पास गए जहाँ वह बैठी रो रही थी। उसको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु ने कहा, हे अलक्ष्मी, इसी पीपल की जड़ में तुम सदा के लिए निवास करो, क्योंकि मेरे ही अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसमें मेरा निवास रहता है। प्रतिवर्ष गृहस्थ लोग तुम्हारा पूजन करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन निवास करेगी। स्त्रियों को विविध प्रकार के उपहारों से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह पुष्प, धूप, दीप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करे, तभी लक्ष्मी जी उन पर प्रसन्न होंगी। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण, सत्यभामा तथा प्रतु और नारद का संवाद तुमको सुना दिया, जिसके सुनने से ही मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे बैकुंठ की प्राप्ति होती है। तुमको जो पूछना हो पूछ सकते हो, उसे मैं विस्तार से कहूंगा। सूत जी की बात सुनकर शौनकादिक ऋषि महर्षि थोड़ी देर तक प्रसन्न चित्त से वहाँ बैठे रहे। बाद में वह श्री बद्री नारायण जी के दर्शन को चल दिए। जो प्राणी इस कथा को सुनता है और दूसरों को सुनाता है, वह संसार में संपूर्ण सुखों को प्राप्त करता है। 34वां अध्याय समाप्त। जय श्री राधे। अनुपम कथा कार्तिक की आज होती है संपन्न, इसको सुनने से श्री हरि होते हैं प्रसन्न। इतनी कथा सुनकर ऋषिवर कहने लगे कि हे सूत जी, अब हम आपसे तुलसी के विवाह की विधि पूछना चाहते हैं, सो कृपा करके वर्णन कीजिए। ऋषिवरों का यह वाक्य सुनकर आनंद में मग्न होते हुए श्री सूत जी कहने लगे कि हे मुनीश्वरों, अब मैं आपके सामने तुलसी जी के विवाह की विधि का वर्णन करता हूँ, इसीलिए आप सावधान होकर सुनने का कष्ट करें। जब उत्तरायण रवि हो, गुरु शुक्र का उदय हो, विवाह के नक्षत्र हो और विशेषकर पूर्णिमा हो अथवा कार्तिक का महीना व भीष्म पंचक हो, तब तुलसी वन में या अपने घर में सुंदर मंडप और उत्तम हवन कुंड के सहित मनोहर वेदी की रचना करता हुआ ऋत्विज ब्राह्मणों को
जो विद्वान और राग द्वेष आदि से रहित हो निमंत्रित करी और ग्रह यज्ञ आरंभ करते हुए मार्तकाओं की पूजा करी। हे मुनीश्वरों, ऋत्वजों के उपस्थित हो जाने पर पहले नंदीमुख श्राद्ध करें, तत्पश्चात भगवान सालिग्राम बनाकर उनका विधि विधान से पूजन सामग्री से पूजा करें और तुलसी को उनके समर्पण करें। इस प्रकार विवाह विधि से तुलसी जी का पाणिग्रहण करने के बाद विधि पूर्वक होम करें। इसके बाद सपत्नी के यजमान भाई बंधु और सेवकों के साथ चारों ऋत्विजों के सहित विष्णु भगवान की प्रेम प्रदक्षिणा करता हुआ शांति पाठ और मंगल गान के साथ साथ आदि बाजे भी बजवाएं। हे मुनीश्वरों, ऐसा हो जाने के बाद यजमान को गोदान और शैया दान करना चाहिए। ऋत्विजों को दक्षिणा देकर विप्र भोज और जाति भोज करना चाहिए। यह बताकर सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति युक्त होकर सत्य शांति और संतोष को धारण करता है, विष्णु भगवान को तुलसी दल समर्पण करता है, वह समस्त पापों से रहित होकर संसार के सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है और इसमें कोई संशय नहीं है। हे मुनीश्वरों, जिस प्रकार से तुलसी जी के विवाह की विधि बताई गई है उसी प्रकार से आंवला शमी और पीपल के विवाह की विधि समझनी चाहिए। जय श्री राधे। कार्तिक महात्म्य समाप्त। कार्तिक की कहानी। दो सास बहुएं थी। कार्तिक मास आया तो सास बोली, मैं कार्तिक स्नान के लिए तीर्थ जाना चाहती हूँ। बहू बोली, मैं भी चलूंगी। सास बोली, तू अभी बहुत छोटी है, अभी मुझे जाने दे। सासू तीर्थ गई तो बहू कुमार के से 35 कुंडे ले आई। रोज एक कुंडा भर कर रखती। उधर गंगा में सासू जी की नथ गिर गई। बहू कुंडे में नहाती हुई बोली, सासू नहावे उंडे, मैं नहाऊं कुंडे। इतने में गंगा की धारा कुंडे में आ गई, साथ में सासू जी की नथ भी आ गई। बहू ने नथ पहचान ली और अपनी नाक में पहन ली। महीना पूरा हुआ, सासू जी आई, बहू सामे लेने लगी तो सास नथ देखकर बोली कि तू यह कहाँ से लाई। तो बहू बोली, यह तो मेरे कुंडे में गंगा की धारा के साथ आ गई। पर सास ने कुछ ध्यान नहीं दिया। फिर सास बोली कि मुझे ब्राह्मण भोज करना है। तो बहू बोली कि सासू जी, दो ब्राह्मण मेरे भी जिमा दो, मैंने भी कार्तिक स्नान किया है। तब सास ने कहा कि तूने कहाँ कार्तिक स्नान किया। तो बहू बोली, ऊपर चलो, मैं आपको बताती हूँ। ऊपर गए तो देखा सारे कुंडे सोने के हो गए। बहू बोली, मैं रोज कुंडा भर कर रखती और सुबह जल्दी उठकर नहाती और उल्टा करके रख देती। तब सासू जी बोली कि बहू, तू तो बहुत भाग्यवान है जो साक्षात गंगा जी तेरे पास आई। तूने श्रद्धा और विश्वास से कार्तिक स्नान किया तो भगवान ने तुझे फल दिया। दोनों सास बहू ने धूमधाम से ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा देकर विदा किया। हे गंगा मैया, जैसे बहू पर कृपा की, उसको कार्तिक स्नान कराया, वैसे हम सबको कराना। तुलसा जी की कहानी। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसा माता को सींचने जाती। सब कोई तो सींच के आ जाती, पर एक बुढ़िया माई आती और तुलसा माता से रोजाना कहती, तुलसा माता सतकी दाता, मैं बिड़ला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता, अड़ुआ दे, लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैखुंड का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मोत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झिनकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीमन दे, ग्यारस का दिन दे, कृष्ण का कांधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसा माता सूखने लगी। भगवान ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जिमाती है, गाती है, तो भी तुम कैसे सूखने लगी। तुलसा माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इतनी बात कहकर जाती है। मैं और तो सब कुछ दे दूंगी, पर आप कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी। थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उसको उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि उठे ही नहीं। सब कोई कहने लगे कि पाप घाट की माला फेरती थी जिससे इतनी भारी हो गई। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। सबसे पूछने लगे कि इतनी भीड़ क्यों हो रही है। सब बोले, एक बुढ़िया मर गई है, पापनी थी, इसीलिए किसी से नहीं उठती। तब भगवान बोले कि इसके कान में मुझे एक बात कहने दो तो यह उठ जाएगी। सब ने कहा, तू भी अपने मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा, बुढ़िया माई, तू बिड़ला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई, अड़ुआ ले, गड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, पटके की मोत ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैखुंड का वास ले, चटके की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झिनकार ले, साई का राज ले, दाल भात का जीमन ले, कृष्ण का कांधा ले।
इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान उसे कंधे पर ले गए और उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसा माता, जैसा उसकी मुक्ति करी ऐसा हमारी करियो, जैसा उसको कांधा दिया वैसे सबको दियो। बिंदाईची की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, वह मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। वह मिट्टी के गणेश जी रोज बनाती, रोज गल जाते। सामने एक सेठ का मकान बन रहा था तो वह वहां जाकर बोली कि पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश घड़ेंगे उतने में अपनी दीवार न चीनेंगे। बुढ़िया बोली कि राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो बनावे और ढा देवे, बनावे और ढा देवे, इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया और उसने कहा, आज कुछ भी काम नहीं किया। तो मिस्त्री कहने लगी कि एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश घड़ दो। हमने नहीं घड़ा तो उसने कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए, जब से दीवार सीधी ही नहीं बन रही। सेठ ने बुढ़िया को बुलवाया और कहा कि हम तुझे सोने का गणेश मण देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश मंडवा दिया और सेठ जी की दीवार सीधी हो गई। हे बिंदायक जी महाराज, जैसे सेठ की दीवार सीधी करी वैसे सबकी करना। कहता न सुनता न हुकारा भरता ने सारे परिवार की रक्षा करना। हे कार्तिक महाराज, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना, सबकी रक्षा करना। जय श्री राधे। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता, लपसी रोजाना सवा शेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंदड़ा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आँख खोलकर देखा तो मुंदड़ा पड़ा था। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने 1.25 शेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बैठाया। दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पांव हटा। पांव हटाते ही मुंदड़ा निकला। तब नारद जी बोले कि मुंदड़ा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देंगी, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगी, ब्राह्मण चिमाकर दक्षिणा नहीं देंगी, दीवा चासकर हाथ न जोड़े तो तेरा पुण्य होगा। कपड़ा देके बटन न लगावे, दाहिने हाथ नाड़ा बांधे तो सबका फल तुम्हें हो जाएगा। और इतना कहकर नारद जी चले गए। लपसी को फल लपसी ने हो जो, तपसी को फल तपसी ने हो जो, माँ की कथा कहानी को फल माँ ने हो जो। पीपल पतवारी की कहानी। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में उड़ते पीपल पतवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो। औरतें बोली कि हम पीपल पतवारी सींच रही हैं, इससे अन्न और धन होता है, 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम तो पानी से सींचती हो, मैं तो दूध से सींचूंगी। अब तो गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने ही नहीं जाती, वह रोजाना दूध तो पीपल में और दही पतवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती कि महीना पूरा हो जाने पर दे दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया, पूनम का दिन आया। बहू पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पतवारी ने पूछा कि तू मेरे पास क्यों बैठ गई। तब बहू बोली कि सासू दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पतवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये भरा डिंडा पान पतूरा है, इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़कर सो गई। सासू बोली कि बहू पैसे ला। बहू बोली कि कोठरी में रखा है। सासू ने कोठरी खोल के देखी तो हीरा मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली कि बहू इतना धन कहाँ से लाई। बहू ने आकर देखा तो सच्ची में ही धन भरा हुआ है। बहू ने सासू को सारी बात बता दी। सास ने कहा कि अब की कार्तिक में मैं भी पतवारी सींचूंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही तो बेचकर आ जाती और हांडी धोकर पीपल पतवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती कि मेरे से दाम मांग। तब बहू कहती, सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती है क्या। पर सासू कहती कि तू मांग। बहू बोली कि सासू जी पैसे लाओ, तो वह पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई।
पीपल पटवारी ने सासू को भी पान पतूरा भरा डिंडा दे दिया। उसने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा, सासू जी यह क्या है? तब सास ने आकर देखा और बोलने लगी कि पीपल पटवारी तो बड़ी दोगली पटपीटन है, इसको तो धन दिया और मुझको कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी सींचे थी, तुम धन की भूखी सींची। हे पटवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसा किसी को मत देना। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप की नो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने बोई रानी तुलसा, कौन से महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, कौन से महीने हुई तेरी पूजा, कौन से महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, आषाढ़ मास बोई रानी तुलसा, सावन मास हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धूप दीप ने वेद आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, छप्पन भोग छत्तीस व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक नमानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, जो तुलसी को दोपहर में गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, जो तुलसी को सांझ में गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, जो तुलसी को रात में गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो।